बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, तकरीबन 3 दिन बाकी हैं, 8 सितंबर की डेट दी गई थी, बड़ा पावर शो करने का ऐलान किया गया था तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद। इस हवाले से खबरें तो चल रही हैं, तैयारियां हो रही हैं। कल DC से मिलता है जाके PTI का वफ्द और वो कहते हैं कि सारे इंतजाम तावन करें। वेन्यू के लिए PTI जोर लगा रही है, वो वेन्यू बड़ा दिलचस्प है, वो है संगजानी। अब संगजानी या तो नेक्स्ट स्टॉप है या फिर फुल स्टॉप है। सही। देखिए, संगजानी एक और आइडियल वेन्यू हो सकता है। एक तो वो जगह जो जहाँ संगजानी बाजार है उसके कॉर्नर के ऊपर वॉल्ड, पहले वहाँ पर दीवार नहीं होती थी, अभी कुछ अरसा पहले दीवार बनी है, उसको एक रास्ता मार्गला एवेन्यू का लगता है, एक रास्ता उसको GT रोड पेशावर से टूवर्ड संगजानी लगता है, एक GT रोड पिंडी से टूवर्ड्स पेशावर लगता है, उसके बाद जो पिंड नौशहरी वाली सड़क है दरमियान से जी, वो आ रही है उस तरफ, फिर मोटरवे जो है उसका AWT का और लेफ्ट राइट के 3-4 जो टोल प्लाजा हैं उन तमाम को उस वेन्यू पर पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सही। दूसरा, वो जगह बहुत ह्यूज है, वहां पर आप लाखों का मजमा भी इकट्ठा कर सकते हैं और अगर आपके पास बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, स्पिल ओवर हो जाता है, तो स्टेडियम से बाहर भी जगह ओपन है, ना पार्किंग का मसला है ना कोई और मसला है। लेकिन इस हवाले से जो PTI के लोग हैं उनको अभी तक ना इनकार हुआ है ना इकरार हुआ। सही। जाके उन्होंने वेन्यू विजिट किया है, खुश हुए हैं, जगह को फाइनल किया, सब कुछ कर लिया है, लेकिन उस वेन्यू के हवाले से DC कॉल भी नहीं उठा रहा। मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि PTI की लीडरशिप की मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले जी, और उस मीटिंग में DC ने उनको कहा था कि हाँ जी ठीक है, आप विजिट कर लें, आप ले लें वो जगह, ठीक है हम आपको कर देते हैं। उसके बाद से वो कॉल नहीं उठा रहे और जारी भी नहीं कर रहे उसके लिए NOC, यानी कि वेन्यू मेंशन करने का लेटर भी नहीं जारी कर रहे और इनकार भी नहीं कर रहे, मैसेज के ऊपर उनको जवाब दिए जा रहे हैं, बस मैं अभी कर देता हूँ, ये सूरत हाल चल रही है। अब जलसा इन इटसेल्फ 8 सितंबर पर आ जाए। देखिए, 8 सितंबर को ये जो 22 अगस्त को हुआ था ना, उसको बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो एक ब्रेक थ्रू था या वो एक CBM था, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था, कि तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियां हैं, उनके दरमियान एतमाद मौजूद नहीं है, तो एक एतमाद साजी का कदम PTI की तरफ से उठाया गया और प्रैक्टिकली देखा जाए तो समहाउ आप पॉसिबल एक्सप्लेनेशन अपने जहन में ये ला सकते हैं कि जो रेटोरिक में कमी आई है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया में, वो हो सकता है कि उसका जवाब, अच्छा, मुमकिन है तौर पे, यानी आप और कोई वजह नहीं समझ आती ना, अब तक 9 मई के बाद से ये जो चीज़ें मौजूद थी या पिछली 2-3 में जो डिजिटल टेररिज्म का तस्करा मौजूद था, वो अब जाहिर है कि योम शहदा के ऊपर शायद हो सकता है कि आप देखें जी, योम दिफाए पाकिस्तान के फौरन बाद के उसके ऊपर शायद कोई इस किस्म की बयानात या चीज़ें आए, फिल वक्त ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो तहरीक इंसाफ के लिए इस बात को गेज करना, हकूमत के लिए इस बात को गेज करना कि असल में बर्फ किस हद तक पिघली है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखें जलसे के वेन्यू की इजाजत फ्रेंकली स्पीकिंग वो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं दे, वो मोहसिन नकवी साहब ने डिसाइड करना। सही। तो वो यहाँ से इंतजामिया की तरफ से हो जाएगा, अगर वो हो जाता है और तहरीक इंसाफ को उसका मन पसंद वेन्यू मिल जाता है और उसके बाद को पकड़ धकड़ रोक टोक और इस किस्म का काम भी नहीं किया जाता, तो मियां साहब को ना सिर्फ ये कि फिक्रमंद होने की जरूरत है बल्कि उनको और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। ये ऐसे नहीं हुआ, इसकी जो ट्रांसलेशन है कि हफ्ते वाले दिन इजलास हुआ, मियां साहब ने कहा, अचानक उन्होंने कहा कि उनके जहन में आया कि देखे मुल्क अब इतने मसाइल में घिर चुका है कि इसका कोई हल नहीं है और मुल्क को जो निकालने का, इस मंझदार से निकालने का एक ही तरीका है कि तमाम लोगों से बातचीत की जाए और उसमें कोई फर्क नहीं रखा गया, 28 मई वाले भी और 9 मई वाले भी और फलाने भी, यानी कि सारे मई वाले इकट्ठे, यानी कि सारे जो है ना वो कर लें, मुजाकरात कर लें। तो मियां साहब ने बेसिकली या नून लीग ने जो ये पोजीशन थोड़ी सी तब्दील की है या ट्वीक की है, इसकी बुनियादी वजह ये मुमकिन तौर पर हो सकती है कि मियां साहब को ये ना लगे कि कहीं मैं तनखा ना रह जाऊं। सदाकत क्लिनिक के बीच तो वो सारे मामले, सपोज हम करते हैं कि जो 22 अगस्त की रात को कमिटमेंट दी जाए की इजाजत, जी जी प्लीज आप भी ले सकते, जी जी मैं पहले पूछ लो आपसे कुछ आपकी दस्तियाबी से फायदा उठाते हुए, कि 22 अगस्त को जो शॉर्टी दी गई है
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का आपने जिक्र किया, 8 सितंबर को अगर सपोज वो नहीं उस पर अमल होता, देन सिचुएशन क्या फिर बैक टू 21 अगस्त? देखें वो तो आप जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि जो सीपीएम था, ये जो ये सारी कहानी थी, इंफॉर्मेशन बहुत ही कलील किस्म की जो है वो मौजूद है इंफॉर्मेशन डोमेन, मैक्सिमम लोगों को क्या पता है। अब जाहिर सी बात है, इसमें ये तो बात तय शुदा है ना कि ये अगर डिसीजन शहबाज शरीफ का नहीं था, नवाज शरीफ का नहीं था, कंडियाला जेल का दरवाजा खुलेगा, आजम सवाती करेगा। अब अली अमीन गंडापुर ने खुद मुंह से जब बोल के कहा है कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं तो मेरे से रब्ता किसी डाढ़े बंदे ने किया होगा ना, किसी ऐसे बंदे ने जो मैटर करता होगा जिसकी काल वो रात 2 बजे उठा भी लेते। हाँ, तो ये बराह रास्त रब्ता जो अगर हुआ है तो उस अगर रब्ता होता है तो रब्ते का कोई नतीजा भी होता है, उस नतीजे के लिए इंतजार करना पड़ेगा 8 सितंबर का। और 8 सितंबर कितनी खुश असलूबी से गुजर जाता है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। अलबत्ता जब आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो नून लीग ने पीडीएम सीजन 1 से ऑनवर्ड अब तक हर वो काम किया है कि जिसके नतीजे में लड़ाई बढ़े। देखें पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई नून लीग की लाइफलाइन है। सही, नून लीग की सियासी ऑक्सीजन, उनका जो वेंटिलेटर है। वो मेरे शो में आए हुए थे मोहम्मद अली दुरानी साहब, उन्होंने कहा ये फ्रीजर में पड़ा हुआ मुर्दा है, फ्रीजर का बटन बंद हुआ या मुर्दे को फ्रीजर से बाहर निकाला तो ये लाश गलने सड़ने लग जाएगी। सही, तो वो बात अगरचे तुर्श है, सख्त है, बात तो ठीक कर रहे हैं। नून लीग के साथ पल्ले तो कुछ नहीं रहा। मियां साहब को भी ये अंदाजा तो होगा ना कि ये अब सियासी लड़ाई उनकी पार्टी को मुकम्मल निकलने के दर पे है, बची हुई है कोई पार्टी उनकी, जाहिर है जैसा कैसा है तो सही ना पार्टी। पॉपुलैरिटी ऊपर नीचे होती रहती है। मियां साहब ने, खैर जो वक्त मियां साहब की जमात ने इस वक्त देखा शायद ये तो कभी ना देखा हो, और अपने डिसीजंस है ना उनकी वजह से। अलबत्ता मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम सब, बल्कि अब इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है उसकी नजरें गालिबन 8 सितंबर पे लगी हुई है कि पीटीआई कितनी बड़ी तादाद में कितनी आसानी से आ भी सकते हैं या नहीं आ सकती। अलबत्ता जलसे को कैंसिल करने का, जलसे को में ना पहुंचने का ऑप्शन पीटीआई अब खुद खत्म कर चुकी है। वो अगर पीटीआई के लोग अब बाहर आके खुद कहेंगे ना, यानी कि अली अमीन जो उनकी लीडरशिप में से आके कहेगा, क्योंकि इमरान खान ने तो कह दिया कि मेरे नाम से मंसूब भी मैसेज आए, अब नहीं मानना, अब आपने नहीं मानना, और वो कह चुके हैं कि पिछला मोखर करने पर, मंसूब करने पर हमें गुस्से का भी सामना करना पड़ा और गालियां भी सुनना पड़ा। अब जिसने अगर पीटीआई की लीडरशिप में मेरा ख्याल है बाहर आके कहा ना, तो वो गरीदा फारूकी कहती है कि इमरान खान खत्म शुद, इमरान खान तो नहीं अलबत्ता वो पीटीआई में खत्म शुद होगा। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।